फ्रेंड्स, मैं हूं सब्यसाची फ्रॉम एस्ट्रोनॉटिक। आज इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है फेसबुक के बारे में, फेसबुक का हिस्ट्री के बारे में, फेसबुक का जो फाउंडर है उसके बारे में। तो आई होप कि आप सभी को इंटरेस्टिंग लगेगा ये जो सीरीज है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, फेसबुक का रियल फाउंडर के बारे में इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करूंगा। अब तो मार्क जुकरबर्ग को जानते ही होंगे कि वो न्यूयॉर्क में रहता है और फेसबुक का सीईओ है और फेसबुक को फाउंड किया है, यानी कि वो फेसबुक का फाउंडर है। बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि फेसबुक का जो फाउंडर है, यानी कि रियल फाउंडर है, वो एक इंडियन है। मार्क जुकरबर्ग ने चालाकी से वो प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया एंड जो फेसबुक का डोमेन है वो अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लिया एंड दुनिया को दिखाया कि वही है फेसबुक का रियल फाउंडर। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। फेसबुक का जो रियल फाउंडर है वो एक इंडियन है और उसका नाम है दिव्या नरेंद्र। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैं आपको एक झूठी कहानी सुना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ही जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ओरिजिनल फेसबुक का फाउंडर कौन है। या मैं आपको दिव्या नरेंद्र का जो विकीपीडिया वाला पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हो उसका पेज। बात करते हैं अभी दिव्या नरेंद्र के बारे में। दिव्या नरेंद्र का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था अमेरिका में। बट दिव्या नरेंद्र का जो पेरेंट्स है वो रहता था इंडिया में और उनका जन्म भी इंडिया में हुआ था। बट कुछ देर बाद, उनके शादी के बाद, वो चले गए थे अमेरिका उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए और वहाँ पे ही दिव्या नरेंद्र का जन्म हुआ था। वो 1982 था जब दिव्या नरेंद्र का जन्म हुआ था। दिव्या नरेंद्र जब छोटा था तो उनके माँ बाप का सपना था कि उनको एक डॉक्टर बनाए। बट दिव्या नरेंद्र ऐसा नहीं चाहता था, उनके इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी में वो फोकस करता था बहुत ही। और उसके बाद दिव्या नरेंद्र काम करने लगा हार्वर्ड कनेक्शन में, और हार्वर्ड कनेक्शन में काम करते समय वो एक प्रोजेक्ट के बारे में ही रिसर्च करने वाला था, या रिसर्च कर रहा था आप कह सकते हो। वो प्रोजेक्ट का ही नाम है फेसबुक। बट तभी फेसबुक का नाम तय नहीं हुआ था, उसका असिस्टेंट के रूप से मार्क जुकरबर्ग लगे थे उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। बट चालाकी से मार्क जुकरबर्ग ने चोरी कर लिया वो उस प्रोजेक्ट का आइडिया एंड उस प्रोजेक्ट का जो नाम है उसको फेसबुक में तय कर दिया। फेसबुक का आइडिया चोरी करने के बाद दिव्या नरेंद्र को सलाह दिया उसके दोस्तों ने एंड हार्वर्ड कनेक्शन का जो टीम था वो ने सलाह दिया कि आप कोर्ट में जाकर केस करो इसके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो आपको सोल्यूशन दे देगा। तो दिव्या नरेंद्र ने कोर्ट में मुकदमा जारी की इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एंड ये भी साबित हो गया कि मार्क जुकरबर्ग ने दिव्या नरेंद्र से फेसबुक का आइडिया जो है चोरी किया था। तो बट तो ये केस ख़त्म होने के बाद कोर्ट ने मार्क जुकरबर्ग को ऑर्डर दी कि दिव्या नरेंद्र को $650 मिलियन का फाइन दिव्या नरेंद्र को दे दिया गया। बट दिव्या नरेंद्र इससे खुश नहीं था। अगले 2-3 साल बाद दिव्या नरेंद्र फिर से कोर्ट में एक मुकदमा जारी किया। बट कोर्ट ने अपना पहला फैसला ही एकदम से जारी किया। बट दिव्या इससे खुश नहीं था क्योंकि उस समय फेसबुक का जो रिवेन्यू था, नेटवर्थ था, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा है। मतलब $650 मिलियन फेसबुक का एक हफ्ते का इनकम था। 2008 में दिव्या नरेंद्र ने अपना एक पर्सनल कंपनी खोला जिसका नाम है सम ज़ीरो। तो यही था फेसबुक के बारे में जो मिस्ट्री है। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा ये वीडियो, आई थिंक आप सभी को कुछ नया जानने को मिला इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू वीडियोज़। Thank you.